नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम लोग हैं दिल्ली बसपा कार्यालय के अंदर और हमारे साथ वो शख्सियत हैं जो पूरी दिल्ली को सजने सजाने का काम करते हैं बहुजन मूवमेंट के जरिए, सीपी सिंह साहब। सीपी सिंह साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सिंह साहब। अधिकतर सवाल उठते हैं, बहुजन वोटर जो है, जिसे बहुजन और बसपा का वोटर कहा जाता है, वो वोटर कई बार ये सोचता है कि जो इनका परसेंटेज वोट ऑफ परसेंटेज कम है तो मैं अपनी वोट क्यों उसमें दूं, बसपा को क्यों दूं जो हार सकती है या हारने का कारण हो सकती है, तो अपनी वोट को वो गड्ढे में नहीं डालना चाहता। लोग कहते हैं ऐसा कि वो हमारी वोट गड्ढे में जाएगी, तो क्या कारण है कि लोग अपना वोट कई बार डाइवर्ट कर देते हैं जिसकी वजह से वोट ऑफ परसेंटेज कम होता जा रहा है बसपा का? बहुजन समाज पार्टी एक मूवमेंट है जी, और मूवमेंट के साथ पार्टी हमारे मसियाओं ने बनाई है जी, तो उसके आधार पर बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया गया है जी, जिसमें अपनी पूरी ज़िंदगी मानवर कांसीराम साहब ने लगाई जी, और आज पूरी ज़िंदगी बहन कुमारी मायती लगी है। उससे पहले हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जी, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी गरीब लोगों को के लिए, सत्ता की प्राप्ति के लिए उन्हें वोट का अधिकार दिलाया जी। जो ये पोजिशन आज है उस समय बाबा साहब के सामने भी थी जी, कि वो लोग नहीं चाहते थे कि ये लोग इस देश के राजा बने जी। तो उसके लिए बाबा साहब ने अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से हमें इस देश के अंदर वोट का अधिकार दिलाया जी। और आज 73 साल की आज़ादी के बाद इस देश के अंदर जो व्यवस्था है, जो इस देश की व्यवस्था है, किस देश में वो लोग नहीं चाहते कि गरीब के बेटे राजा बने जी। तो उनकी सोच है कि छोटी छोटी पार्टी बन जाए जी, उनका वोट काट लिया जाए, जैसे उन्होंने इस देश के अंदर एक समाज को मतलब बांटने का काम 6,743 जाति में जो चौथा वर्ण है उसके लोगों को विभाजन करने का काम किया जी, कि यदि वो विभाजित रहेंगे तो इनका काम आसान होगा जी। उसी को ध्यान में रखते हुए आज इन लोगों ने, जो बाबा साहब की मूवमेंट को इस देश के अंदर जिंदा रखना चाहती है जो पार्टी, वो इनकी आँख की किरकिरी बनी है जी। वो इस तरह शाम दाम दंड भेद पूरा लगा रहे हैं कि छोटे छोटे संगठन बनाएंगे, छोटे छोटे दल बनाएंगे, उनको अपना पैसा देंगे और पैसा देके मतलब जो ना वो बहुजन समाज पार्टी के लोगों को जो इस देश के अंदर सत्ता में उनको स्थापित करना चाहते हैं उनको रोकना चाहती है। तो मेरा उन लोगों से ये मेरी अपील है कि बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर उन 100 में से 85 लोग जिन लोगों को इस देश की सरकारों ने नेगलेक्ट किया है, बहुजन समाज पार्टी उनको सेलेक्ट करना चाहती है और उनको इस देश का हुक्मरान बनाना चाहती है। तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि हमारा वोट कभी भी ख़राब नहीं होगा। यदि हम अपनी संख्या को इस देश के अंदर नहीं शो करेंगे तो ये लोग हम लोगों पर, क्योंकि देश के संविधान में लिखा है कि जिसका वोट ज़्यादा होगा उसका राजा बनेगा, जिसका वोट नहीं होगा उसका राजा नहीं बनेगा जी। मगर इस देश के अंदर उल्टा हो रहा है, जिसका वोट है उसका राजा नहीं बन रहा है और जिसका वोट नहीं है उनका राजा बन रहा है। तो इन बहुजन समाज के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाई हमारा वोट तो हमारा है जी। और यदि हम इन लोगों को वोट ना डालें तो ये कभी राजा बन नहीं सकते जी। तो आज कल तक तो ये समस्या थी हमारी पार्टी नहीं है, कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। आज बहुजन समाज पार्टी यदि आज बीजेपी नंबर वन की पार्टी है, कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है, तो बहुजन समाज पार्टी वोट के आधार पर, रिजल्ट के आधार पर वो तीसरे नंबर की पार्टी है। तो हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं या हमारे जो मतलब समाज के लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हमारी पार्टी है एक, उनके यदि वो आज दिल्ली में जैसे चुनाव चल रहा है, यदि वो 70 टिकट दे रहे हैं 70 हम भी दे रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी का टिकट हम लोग दे रहे हैं जी। तो यदि हम दूसरे के घर को मजबूत करते रहेंगे जी। तो हमने 73 साल में 50 साल से ज़्यादा तो कांग्रेस को मौका दिया इस देश के अंदर, हमारी स्थिति वही बनी हुई है। अब उन्होंने बीजेपी को भी मौका दिया, आज भी हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, और ये छोटी मोटी पार्टी यहाँ दिल्ली में बनी है तो उनको भी मौका दिया तो वहाँ पर भी वही ढाके तीन पात है। तो यदि हम लोग जब तक हमारे मसीहा की जागीर ना बिकने वाला समाज बनाकर अपने पैरों पर खड़े होकर इस देश के अंदर जब तक आप लोग शासन प्रसार में भागीदारी नहीं लेंगे आपका भला कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अपने हमारे सभी महापुरुषों ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाने का काम किया कि उन्होंने ये कहा है, हमें अपील किया कि भाई गरीबों यदि तुम सत्ता की प्राप्ति नहीं करोगे तो तुम्हारा ये लोग भला नहीं करने वाले। तो इसलिए मेरी तो ये अपील है लोगों से कि अपने वोट की कीमत को समझें और अपने वोट को सही पार्टी, जो पार्टी इस देश के अंदर गरीब के बेटों को मतलब
राजा बनाना चाहती है तो उसे पार्टी को वोट देना चाहिए। जी बहुत सुंदर। यूं तो वोट का अधिकार सबको अपना होता है, वो अपने तरीके से वोट का अधिकार चुन सकते हैं, अपना कैंडिडेट चुन सकते हैं, लेकिन अगर जिसे बहुजन समाज कहा जाता है और जिसकी पार्टी कहा जाता है बसपा और जिसकी राष्ट्रीय नेता है बहन कुमारी मायावती, और इस गड्ढे को जो लोग सोचते हैं इस गड्ढे को कैसे भरा जाएगा, अगर 85% के बहुजन समाज के लोग एक साइड वोट कर दें तो कहीं भी इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी और एक गरीब का बेटा, एक दलित का बेटा, एक बहुजन मूवमेंट का बेटा देश का हुक्मरान बन सकता है। आपने हमारे चैनल से बात करी, इसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।